देखो किस प्रकार से एडजस्ट किया गया बाइक को दोनों ये लगा के। हाँ भाई जी, हाँ मदन जी, क्या बात है? धोनी चेंज कर रहे हो? धोनी गयो गयो, खत्म हो गया टायर। और बाकी अपने मदन भैया है, कोई भी आओ, दुकान का नाम तो नहीं दिख रहा, टंकी देख लेना और आ जाना यहाँ पर। और टायर चेंज करते हैं अपन अपनी बाइक के, आज बहुत दिनों बाद चेंज करेंगे अपन टायर, क्योंकि बहुत बार बोल दिया इसने, नहीं भैया ने मेरे को बहुत बार बोल दिया कि भाई करवा ले चेंज, करवा ले चेंज। अभी भी पिछले वाले टायर में लगभग 5 से 7 पंचर तो होगी मेरे हिसाब से, और बाकी हवा निकल जाती है इसमें, हवा रहती ही नहीं है इसमें, इसलिए अब लास्ट में हार के क्या करें, टायर लेके आना पड़ा है हमारे को। और बाकी टायर दिखाऊँ, अपोलो का टायर ये, MRF का ये अगला वाला है। टायर की धज्जिया उड़ सकी है गाइस, ये देखो टायर आपको दिखाता हूँ, इसके छिलके भी बाकी है हल्के फुलके। अगला वाला टायर पहले चेंज करवा रहे हैं, और दोनों टायर पड़े अपने पास, दोनों टायर चेंज करवाएंगे। नया टायर सेट हो चुका है अपना, अलग देखो। और अपन टोल टैक्स के पास नहीं करवा रहे हैं मदन भैया से, यहीं पे अपन सारा टायर वगैरह काम यहीं करवाते हैं। और बाकी गाड़ी को देखो कैसे एडजस्ट किया गया है, दिखाता हूँ मैं आपको, ये देखो किस प्रकार से एडजस्ट किया गया है बाइक को दोनों ये लगा के। और बाकी ये देखो, ये प्रतीक की बाइक है, और ये देखो इधर बरसात आती हुई। और शुभ काम में बरसात ना हो ये हो ही नहीं सकता, टायर डलवा रहे हैं बस, ये थोड़ा भगवान की मेहर है। और बाकी ये देखो बारिश आ गई, क्या करें यार, देखो भीड़ देखो दुकान में, छोटी सी दुकान है। क्या हुआ भाई साहब, भाई साहब सही है हाँ। चलो ठीक है, कर दो चेंज। और गाइस पिछले 2 घंटे से हम यहाँ पे बैठे हैं, और बाकी बरसात आ रही है बहुत ही भयंकर तरीके से। इधर देखो बरसात का मौसम, पूरा पानी पानी हो रखा है चारों तरफ। और ये अपना प्रतीक भाई है, प्रतीक भाई मेरे साथ बैठा है 2 घंटे से। और बाकी अपन देखो टायर का काम प्रोसेसिंग में ही चल रहा है, थोड़ा फेविक्विक हुआ चक्कर है तो वो करवाते हैं अपन, और फिर आपको दिखाते हैं नए टायर। वीडियो ये मजे लायक वीडियो है, इसको आप देखना जरूर, इसमें बर्नआउट भी की गई है, तो धुआं दौर मचा दिया अपन ने वीडियो के अंदर, तो आप देखना जरूर। और बाकी बहुत ही मजा आएगा आपको वीडियो में ये। बरसात आ रही है, हमारी गाड़ी का काम हो रहा है, सर्विस हो रही है, पीछे हम सर्विस कर रहे हैं टायर की। गाइस इस गाड़ी में देखो एलॉय व्हील चेक करो एक बार, वरना में आगे कोई सा दूसरा लगा रहा है, पीछे दूसरा लगा रहा है। भाई इसको डाल दो, हम टायर नहीं डलवाएंगे। देख लो मेहनत बहुत ज़्यादा लगती है इसे टायर चेंज करने में। तो ये पीछे मेरे ट्रक खड़ा है, उसमें अंकल देखो कैसे देख रहे हैं।
और गाइस टायर डल के कंप्लीट हो चुका है। और बाकी ये देखो ऐसा कुछ लुक आ रहा है पीछे से टायर का, थोड़ा पतला लग रहा है लेकिन कोई बात नहीं, देखते हैं आज। और बाकी आगे का टायर दिखाता हूँ आपको, ये आगे का टायर है। और बाकी एक बार चेक करके आते हैं। ब्रेक और एक को गाइस चेक करना पड़ता है एक दो बार, ब्रेक ऑयल सही से आ जाए, ब्रेक लेदर सही से वर्क करे। और बाकी यार नई लगने लग गई बाइक अपनी वाली। क्या चीज बना दी भाई ने गाड़ी को। और ये देखो अपना गाड़ी सही चल रही है, कोई दिक्कत नहीं आ रही। और बाकी चेन टाइट, चेन सही है टाइट वाइट में। और भाई अब की बार कीचड़ ज़्यादा उछलेगा इससे। और बाकी अपन इस व्लॉग को यहीं पे ही एंड करते हैं। टायर वायर दोनों अपन ने डन करवा चुके हैं, टायर वगैरह, गाड़ी नई की जैसे चल रही है बिल्कुल। बहुत फ़र्क आ गया गाड़ी में, बहुत फ़र्क है। बाकी यार एवरेज भी गिर गया था मेरे टायर पूरे गंजों के कारण। तो प्रतीक भाई अब चलते हैं, थोड़ा वीडियो देखते हैं, उधर चल के बनाते हैं अंडरपास की तरफ हमारे जो उधर है। और बाकी यार ट्राई करेगी अब, और बहुत ही प्यारी लग रही है बाइक। अपना भाई अभी व्हीली मार रहा था, ये भाई प्रतीक भाई व्हीली मार रहा था, इस चक्कर में बाइक का ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ। थोड़ा बहुत यहाँ पर स्क्रेच आया थोड़ा बहुत, और ये थोड़ा गेर वेर ये थोड़ा डंडी टेढ़ी हो गई इसकी। और बाकी थोड़ा यहाँ से देखो पूरा ये घिस चुका है, थोड़ा हैंडल तिरछा हो गया, और थोड़ा ये इसमें थोड़ी बांक आ गई, थोड़ा बहुत ये हुआ। इसके चक्कर में अपन ने ये भी उतार रहे हैं। और इस बाइक के देखो एक बार यहाँ लगी, हाथ दिखा भाई यहाँ पे लगी, और वो दिखा पैर। और पांव की पट्टी हमने बांध दी है। और बाकी शक्ल पे क्या हो गया आप। और भाई ने मारी थी